बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट्थ का फर्स्ट पार्टी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करना है इसको। तो देखो एक्स माइनस टू वाई मैंने लिख लिया और मैं माइनस यहाँ पे लगाता हूँ। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ आपको। और ये मैंने माइनस लगाया, ब्रैकेट लगा, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस फोर वाई का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक्स माइनस टू वाई माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस इसको लग सकता हूँ टू वाई का होल स्क्वायर। तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब देखो एक्स माइनस टू वाई माइनस इसके जगह लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस टू वाई और एक लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू वाई। अब ध्यान से देखो ये एक्स माइनस टू वाई है। अब एक काम करता हूँ, एक्स माइनस टू वाई को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से। तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस टू वाई, और ये तो हट गया बाहर आ गया। तो देखो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों। क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। तो काफ़ी इजी था ये। तो देखो ऐसे करना है इसको, बहुत ही इजी तरीके से करना है, बहुत प्यार से। सेकंड पार्ट करते हैं। देखो ये देखो पहले से ही ऐसे गिवन है। अब मुझे ये ना अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये ऐसे ही बनने वाला है। तो ध्यान से देखो मैं इसको लिख सकता हूँ टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों तोड़ा इसको। तो ये हो जाएगा देखो टू ए प्लस बी, और अगर टू ए माइनस बी प्लस टू ए प्लस बी। तो देखो ये और ये सेम है, तो मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ टू ए प्लस बी, और ये हो जाएगा टू ए माइनस बी। इन दोनों में मैंने ये कॉमन लिया, तो देखो ये आ गया टू ए माइनस बी प्लस वन। ठीक है, तो देखो ये ऐसे करके मैं ब्रैकेट में कॉमन लिया, तो देखो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये भी कितना ईजी था, सेकेंड पार्ट भी।